इंडियन नेशनल लोकदल करनाल के शाखा ग्राउंड कार्यालय में पुलवामा में हुए जवानों पर अटैक एवं शहीद जवानों की याद में 2 मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर UNLO के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह संधु ने बताया कि जो जवान पुलवामा में शहीद हुए थे उनको आज याद किया गया है एवं उनकी शहादत पर इंडियन नेशनल लोकदल ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सुरजीत संधु ने कहा कि आज ही इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला का भी जन्म दिवस है, जिसके चलते सभी युवा इनेलो के कार्यकर्ता श्रद्धानंद अनाथालय में पहुंचकर फल वितरित किए गए, साथ ही उनकी दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना भी की गई। इस मौके पर युवा प्रदेश अध्यक्ष इनेलो सुरजीत सिंह संधु ने कहा कि हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल द्वारा जो किसानों के बारे में बयान दिया गया है उसकी वह निंदा करते हैं, क्योंकि किसान कड़ाके की सर्दी के कारण वहां पर शहादत दे रहे हैं और हरियाणा के कृषि मंत्री उनकी शहादत का मजाक बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यही किसान JP दलाल को इसका जवाब देंगे, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है। उनकी शहादत को मजाक बनाना बेहद निंदनीय है और किसान आंदोलन को इंडियन नेशनल लोकदल का पूरा समर्थन है। वहीं उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों की याद में 2 मिनट का मौन रखा। इस मौके पर उनके साथ UNLO से जुड़े बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुरजीत संधु जी ने जो अभी आपके सामने बयान दिया है बिल्कुल दुरुस्त है और सच में ही इस प्रकार से BJP सरकार ने हमेशा किसान हित ऐसी नौकर के किसान की दुर्दशा करने का काम किया है और हमारी पार्टी ने ये संकल्प लिया है और हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी संकल्प लिया है, वो किसान हित ऐसी रहेंगे और किसान हित ऐसी हैं वो और सदा ही किसान के विषय की वो मुद्दे की बात उठाएंगे। दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पे देश का किसान इकट्ठा हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो किसानों के कृषि के जो 3 काले कानून बनाए हैं उनके विरोध में तो किसान आज दिल्ली बॉर्डरों के साथ बैठा है। और जो ये कृषि मंत्री जी ने पार्लियामेंट में भी ये बात बोली, यहाँ प्रदेश के कृषि मंत्री ने भी ये बात बोली कि जो किसानों की शहादत है उनको एकमात्र जो सड़क छाप नेता थे, तो मैं इनको कहना चाहता हूँ कि किसान देश का अन्नदाता है और पूरे देश का पेट भरने वाला किसान है। उन्होंने आंदोलन के चलते संघर्ष के चलते अपनी शहादत दी है, ना कि कोई वो वहाँ कोई मौज मस्ती में जा रहे थे, वो आंदोलन के चलते शहादत हुई है। और मैं इसमें हमने जैसे मौन रखा पार्टी की तरफ से और अब आगे भी सारा प्रोग्राम चलता रहेगा। और आज दूसरी बात, हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला का आज जन्मदिन है, उसकी खुशी में अनाथ बच्चों को फल फ्रूट बांटने का कार्य करेंगे सारे पार्टी के वर्कर नेतृत्व में। आज करनाल में गरीब बच्चों को गरीब एसआईओं को फल वितरित किए जाएंगे चौधरी अभय सिंह चौटाला के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और जहां तक किसानों की बात है, किसानों का एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे देश में किसानों के बगैर तो ना व्यापारी चल सकता, ना कर्मचारी चल सकता, ना दुकानदार चल सकता, ना कोई भी नहीं चल सकता। जब तक किसान की उपज अच्छी तरह नहीं बिकेगी, किसान को अच्छे लाभ नहीं मिलेंगे, किसान की बात को नहीं सुना जाएगा, तो पूरे देश में देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। और मैं जो आज का JP दलाल जी ने जो मतलब हास्यास्पद बयान दिया है, हम उसकी इंडियन नेशनल लोकदल उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है, क्योंकि वो एक इस पद पर रहने के काबिल भी नहीं है, उन्होंने पद को त्याग देना चाहिए। प्रतिक्रिया है आपकी पार्टी की तरफ? एक सिर्फ JP दलाल की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने भी नेता हैं किसी को सामाजिक बातों का ज्ञान ही नहीं है। उनको यही नहीं पता कि सामाजिक तौर पर क्या बातें होती है क्या नहीं होती। देश के प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले 2 दिन पहले शायद उनका बयान भी आया था कि ये किसान नहीं परजीवी हैं। अरे भारत के जो प्रधानमंत्री है उसको यही नहीं पता परजीवी क्या होता है। मैं छोटी सी बता देता हूँ, जो जैसे कीड़े पड़ जाते हैं किसी चीज़ के ऊपर, जो चीज़ गल सड़ जाती है उसके ऊपर कीड़े पड़ जाते हैं उनको परजीवी बोलते हैं। क्या किसान भी वो परजीवी हैं कि वो कीड़े मकोड़े हैं क्या किसान? उन प्रधानमंत्री को नहीं पता कि परजीवी किसको बोलते हैं। अरे किसान तो देश का अन्नदाता है, किसान के पेट को भरने का काम देश का किसान करता है। तो JP दलाल की बात आती है, उसने भी इस प्रकार का बयान दिया, बेतों का बयान कुछ पता ही नहीं। भाई वो घर में होता घर मर जाते हैं। अरे वो शहीद हुए हैं, इतनी ठंड हुई है दिसंबर के महीने में, नवंबर के महीने में, जनवरी के महीने में, इतनी ठंड के अंदर जो ठंड पड़ जाती है तो उसके अंदर जो शहीद हुए हैं किसान, इसलिए उन्होंने अपनी शहादत दी है। चलो आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, बेहोश जाती है, बात ठीक है। लेकिन जो JP दलाल का जिस प्रकार से हंसी ठिठोरे करना और इस बात में व्यंग्य के तौर पर लेना बहुत दुर्भाग्य की बात है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.